बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर किसी को सिंघम का टाइटल हासिल हुआ है तो वह है अभिनेता अजय देवगन, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में देकर सभी का दिल चुरा लिया है। साथ ही अपनी फिल्मों में धांसू एक्टिंग करके सभी को अपना फेवरेट बना लिया है। इसलिए तो आज इनकी हर एक फिल्म का दर्शक पल के बिछुआए इंतजार करते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं फैंस में से एक हैं जो करते हैं अभिनेता अजय देवगन की फिल्मों का इंतजार, तो बस आज की इस वीडियो में हम आपको आपके फेवरेट एक्टर की कुछ अपकमिंग फिल्मों से रूबरू करवाएंगे, जिनके बारे में जानकर आप सभी बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं। नंबर वन, RRR। जी हाँ, अभिनेता अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्मों में सबसे पहला नाम RRR का है, जो कि गंगूबाई फिल्म के एक दिन बाद 7 जनवरी को रिलीज होगी, जिसमें अभिनेता अजय देवगन का छोटा रोल होगा, जिसमें अभिनेता रामचरण और तेजा एक साथ नजर आने वाले हैं। नंबर टू, मेडे। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल होता है मेडिका, जो कि 29 अप्रैल को आने वाली है, जिसे अभिनेता अजय देवगन खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अभिनेता अजय देवगन के साथ साथ अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह नजर आएंगी। नंबर थ्री, मैदान। जी हाँ, अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में एक नाम मैदान का भी है, जो कि 3 जून को रिलीज होगी। जैसा कि आप सभी अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अजय देवगन की साल 2022 में 4 फिल्में आएंगी। इस फिल्म की प्रोडक्शन की कमांड बोनी कपूर संभाल रहे हैं, तो वहीं इसके निर्देशककर्ता होंगे अमित शर्मा, जिन्होंने अब तक बधाई हो जैसे कई फिल्मों का प्रवेश किया है। आपको बता दें, ये फिल्म गोल्डन एरा फुटबॉल टीम पर आधारित है, जो कि खेल से आधारित। इस फिल्म में अभिनेता अजय देवगन अब्दुल रहीम शेख के किरदार में 4 चांद लगाते हुए नजर आएंगे। नंबर फोर, थैंक गॉड। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आती है थैंक गॉड मूवी, जो कि एक कॉमेडी से भरपूर फिल्म होने वाली है, जिसे डायरेक्ट कर रही हैं इंद्र कुमार, जो कि अब तक कई फिल्में बना चुके हैं, और इसे टी सीरीज कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, इसके स्टार कास्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा, रकुल प्रीत सिंह और अजय देवगन नजर आएंगे, जहां अजय देवगन इसमें यमराज का किरदार निभा सकते हैं। बता दें, इस फिल्म की रिलीजिंग डेट सामने नहीं आई है, मगर कुछ पोस्टर रिलीज हो चुके हैं, जिसे अंदाजा लगाया जा सकता है ये फिल्म भी 2022 में रिलीज हो जाएगी। नंबर 5, दृश्यम। जी हाँ, साल 2015 में रिलीज हुई दृश्यम का अब सेकेंड पार्ट भी रिलीज होने वाली है, जिसकी शूटिंग दिसंबर में स्टार्ट होगी। आपको बता दें कि फिल्म की कहानी पर काम चल रहा है, साथ स्टार कास्ट भी पहले की तरह ही सेम होंगी। नंबर 6, सिंघम 3। जी हाँ, अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म में एक नाम अब सिंघम 3 का भी जुड़ चुका है। जी हाँ, इसका इशारा तो पहले ही अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने कर दिया था, लेकिन अब रोहित शेट्टी के साथ सलमान खान भी कंफर्म कर चुके हैं बिग बॉस के विकेट वार में, जहां सलमान खान रोहित शेट्टी से कमिटमेंट करते हुए नजर आए थे कि वह जल्द ही रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम में चुलबुल पांडे बनकर नजर आएंगे। तो वही रोहित शेट्टी भी बोलते हुए नजर आए कि अगर आपने कमिटमेंट कर दिया तो आप इस कमेंट में मुकर नहीं सकते। हालांकि फिल्म की डेट अनाउंसमेंट नहीं की गई है, पर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फिल्म साल 2022 के मिड में देखने को मिल सकती है। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि सलमान खान और अजय देवगन की जोड़ी इस फिल्म में क्या रंग लाती है। तो दोस्तों, आप अजय देवगन की इन फिल्मों में से किस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।